नमस्ते, मेरा नाम है शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और बात करेंगे गहराते हुए जल संकट की। जी हां, दिल्ली में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल संकट से लोगों को परेशानी हो रही है। टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन में है उपराज्यपाल वीके सक्सेना। तो वहीं मुनक नहर से पानी चोरी को रोकने पर निर्देश दिए गए हैं। मुनक नहर इलाके में पुलिस भी एक्टिव हो गई है। तो वहीं दिल्ली में वाटर माफिया का आतंक ऐसा है कि पॉश इलाके से लेकर हर गली मोहल्ले में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में जानबूझकर टैंकर माफिया ने जल संकट पैदा किया या फिर पानी की कमी दिल्ली सरकार की नाकामी का नतीजा है। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, देखिए। टैंकर माफिया की गिरफ्त में दिल्ली, जैसे जितना पानी निकाले लीटर से वो पैसे लेते हैं। एक टैंकर आता है पूरे दिन में। दिल्ली प्यासी गुनहगार कौन? बूंद बूंद पानी को तरस रही राजधानी, आसमान से बरसती आग के बीच देश की राजधानी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली में टैंकर माफिया का आतंक ऐसा है कि भीषण गर्मी में लोगों को नहाने धोने की तो छोड़िए, पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर हर गली मोहल्ले में लोगों की जिंदगी पानी का टैंकर के सहारे गुजर रही है। अपने जरूरी काम छोड़कर लोग महज कुछ लीटर पानी के लिए हाथों में बाल्टी, ड्रम और बोतल थामे कतारों में लगे हैं। मुसीबत ऐसी कि पानी की हर बूंद के लिए मारामारी मची है। स्लम एरिया के लोग तो पानी की खातिर रात रात भर जग रहे हैं। घर बार छोड़कर लोग सड़कों पर टैंकर की बाट जोहते नजर आते हैं। पानी की बहुत समस्या, टैंकर मंगाने पड़ते हैं हमें विलेज से। आज कितने का आता है? पानी तो और ही नहीं आते। प्राइवेट टैंकर कितने में खरीदते हैं आप लोग? हमें भी दो ढाई हजार का पड़ता है। तो टैंकर माफियों का क्या हाल है? टैंकर वाले आएंगे तो सर प्राइवेट वाले आएंगे और ढाई तीन हजार रूपए लेंगे। अच्छा। उसमें भी और पब्लिक भरेगी कूद कूद के। कितने पैसे लेगा फिर भी टैंकर वाला? चार हजार लेंगे, तीन हजार लेंगे, 200 का ड्राम भरेंगे। सर टैंकर प्राइवेट आता है वो कोई ढाई हजार का मांगता, कोई 3,000, कोई 4,000। प्राइवेट टैंकर के जैसा जितना पानी होता लीटर की लीटर से वो पैसे लेते हैं 2,500 के। देश की राजधानी दिल्ली के लोग बीते दो महीनों से एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज है। दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी तक टैंकर से पानी भरने के लिए मची मारामारी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली पर सरकार का नहीं टैंकर माफिया का राज है। टैंकर माफिया नहरों से लेकर बोरवेल से पानी निकालकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए लोगों से वसूल रहे हैं मोटी रकम। प्यास से तड़पती दिल्ली की हकीकत जानने और टैंकर माफिया के आतंक से पर्दा उठाने के लिए जब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड पर उतरी तब सुनिए लोगों ने क्या कहा। एक टैंकर आता है, भीड़ बहुत सारी होती है, भीड़ तो आदमी बहुत है। एक टैंकर आता है पूरे दिन में, नहीं होती है, कम से कम दो। पानी की कमी से दिल्ली के हर गली मोहल्ले का एक जैसा हाल है। वाटर टैंकर दिखाई देते ही लोग सड़कों पर दौड़ लगा देते हैं और पानी भरने के लिए देखिए कैसे टूट पड़ते हैं। जो खुश नसीब होता है उसे टैंकर से पानी भरने के लिए पानी मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोग अपनी किस्मत के साथ सरकार को कोसते नजर आते हैं। दरअसल दिल्ली में पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है, लेकिन पानी की कमी से जूझ रही राजधानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही सूखे नजर आ रहे हैं। जल बोर्ड के मुताबिक 8 जून से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी उत्पादन बेहद कम हो रहा है। इस प्लांट की पानी उत्पादन क्षमता रोजाना 131 मिलियन गैलन है, जहां से 8 जून को 123.18 एमजीडी पानी का उत्पादन हुआ था, लेकिन 10 जून को घटकर 108.72 एमजीडी ही रह गया। पानी की कमी नहीं है, कमी है इनकी इच्छा शक्ति की, कमी है ईमानदारी की। इनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन प्लानिंग के कारण दिल्ली प्यासी है। दिल्ली सरकार, जल बोर्ड पानी के टैंकर माफिया की गोद में बैठे हुए हैं और दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और पानी की चोरी, पानी की लूट बजारी वो आम आदमी पार्टी का काम है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता आज एक एक बूंद के लिए तरस रही है। गर्मी की मार और पड़ोसी राज्यों से पर्याप्त पानी नहीं आने से दिल्ली में जल संकट विकराल हो गया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त पानी देने का वादा किया था, वहीं जनता आज बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रही है।
पानी की किल्लत से दिल्ली के पौश इलाके से लेकर हर गली मोहल्ले में जंग जैसे हालात पैदा हो रहे। व्यासे दिल्ली में वाटर टैंकर माफिया की लॉटरी लगी हुई है। टैंकर माफिया की मनमानी और गुंडागर्दी के चलते दिल्ली वासियों की प्यास की हर एक बूंद की कीमत लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति है। कई जगहों पर पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। कई शहरों में पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक तो कई शहरों में पानी नहीं आ रहा है और जहां पानी आ रहा है उसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। ताजा तस्वीरें भिंड की है जहां आप देख सकते हैं दर्जन भर से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने के बाद अस्पताल पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल की हैं। दरअसल ये मामला भिंड का है जहां के फूप में नल से आ रहे बदबूदार दूषित पानी पीने से हर दूसरे घर में कोई न कोई बीमार हो गया। चार दिन में 80 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। हालात इतने बदतर हैं कि मंगलवार की शाम 2 घंटे में 108 एम्बुलेंस की 9 गाड़ियां बुलवाकर दर्जन भर लोगों को ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। पानी से दिक्कत हो गई, मतलब उल्टी दस्त चल रहा है। पानी तो पूरा मिक्स होके ही आता है, वो वाला भी पीते हैं, टंकी वाला और ये फिल्टर वाला दोनों साथ में। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। मामले में कलेक्टर के आदेश पर जल प्रदाय प्रभारी नीरू बघेल और पटवारी ब्रिज मोहन अग्रवाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव गांव पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक ओर दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं तो दूसरी ओर लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। ग्वालियर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में जब ज्यादा पानी की जरूरत है तो शहर भयंकर जल संकट से गुजर रहा है। शहर की बड़ी जनसंख्या को पानी पिलाने वाला तिघरा डैम 80% से ज्यादा खाली हो गया है। ग्वालियर में पानी लाने के लिए चंबल प्रोजेक्ट को बनाया गया था लेकिन इसे धरातल पर अब तक नहीं उतारा गया है। ग्वालियर के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा बड़े जल स्रोत हैं जो पिछले कई सालों से सूख चुके हैं। वहीं सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच जल स्तर नीचे जाने से कई इलाकों में बोरिंग सूख चुकी है। हाल के दिनों की ये तस्वीरें पानी की किल्लत को बयां कर रही हैं। MY अस्पताल और MTH अस्पताल में कई दिनों से पानी की किल्लत देखी जा रही है जिससे डॉक्टर्स और स्टाफ को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है ऑपरेशन थिएटर तक में पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से परेशानी को दूर करने की बात कही जा रही है लेकिन इन तस्वीरों ने जल संकट की कहानी को बयां कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो दिल्ली टू मध्य प्रदेश।